अवाम की जानो माल का तहफुज करने वाले पुलिस एहलकार खेल के मैदान में भी किसी से कम नहीं है। ये बात फैसलाबाद रीजन के रस्साकशी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले पुलिस एहलकारों ने साबित कर दी। जी क्या कहेंगे, आपने हिस्सा लिया है, टूर्नामेंट कैसा लगा? ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए। ये टूर्नामेंट फैसलाबाद रीजन की टीमों के दरमियान हुआ था। फैसलाबाद टीम ने बहुत अच्छा खेला है, पहली पोजीशन हासिल की है। चिनोट ने थर्ड पोजीशन हासिल की है। बेसिकली सब टीमों ने अच्छा खेला है और चिनोट वालों ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए थे। ऐसे टूर्नामेंट आगे भी होने चाहिए, इससे हमारे जवानों के हौसले बुलंद होते हैं और ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए। और हम DIG साहब, IG साहब और RPO साहब और DPO साहब का शुक्र गुजार हैं, उन्होंने बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवाया। ऐसे टूर्नामेंट आगे भी होने चाहिए और तमाम खेलें होनी चाहिए। मुकाबले में शामिल 5 टीमों के मैच देखने वाले भी इससे काफी महजूज हुए और खिलाड़ियों को दाद देते हुए कहते हैं कि ऐसे खेल मुलाजमीन के लिए तफरी का बायस बनते हैं। हमारे जो कल इस्लामिया कल में जो पुलिस के रस्साकशी के जो मुकाबले हुए हैं उनसे हमें बहुत जो मुतासर हुए हैं। हमारा अमान जो कहते हैं कि हमारा ये कहना है कि ऐसे जो मुकाबले हमारे कॉलेज में होने चाहिए ताकि हमें मुतासर हो और हमें इसका जज्बा हमारे अंदर पैदा हो और हमें जो है अपनी पाकिस्तान के लिए, अपने जो फ्यूचर के लिए एक अच्छा शहरी बन सकें और चाहे जिस्मानी तौर पर फिट हो सके। मैदान में मौजूद पुलिस मुलाजमीन का जोशो खरोश दीदनी रहा। मुकाबलों में फैसलाबाद पुलिस पहले, ट्रैफिक दूसरे और चिनोट पुलिस तीसरे नंबर पर रही। खेल का मैदान हो या जिंदगी का कोई भी शोभा, स्पोर्ट्समैनशिप इंसान को हर माज पर लड़ना और कामयाबी हासिल करने का करीना सिखाती है। कैमरामैन इरफान अली के साथ अमीर उमर चमन, ARY न्यूज, चिनोट।